तिरुमयम मंदिर का एक विशेष अद्भुत बातें हैं दोस्तों। ये मंदिर पत्थर से बना हुआ है और भगवान शिवलिंग भी जो है वो पत्थर का ही है। वो गर्भगृह गुफा के अंदर में है। ये पांडियन राजा का बनाया हुआ माना जाता है। ये 7वीं-8वीं ईस्वी की माना जाता है। ये तमिलनाडु में स्थित है। माना जाता है कि आक्रमणकारियों से बचाने के लिए इसे पत्थर से ढक दिया गया था और बहुत सालों से लोगों को पता भी नहीं था कि वहाँ पे क्या है नहीं है। तो एक बार अभी कुछ वर्ष पहले की बात है, वहाँ पे भूकंप आया तो वहाँ का पत्थर का जो दरवाज़ा था वो निकल गया और लोग अंदर जा कर के देखे तो भगवान शिव का वहाँ पर शिवलिंग भगवान शिव मौजूद है। अब वहाँ पे लगभग 12 फीट ऊंचा एक सीढ़ी लगाया गया है कि ऐसे सामान्य मानव जा नहीं सकेंगे। माना जाता है कि पहले या तो लोग उतने लंबे होंगे तो चले जाते होंगे या फिर वहाँ पे कुछ पत्थर का टुकड़ा होगा जिससे वो लोग चले जाते होंगे और इस मंदिर को बचाने के लिए उस पत्थर को शायद हटा दिया गया हो, ऐसा शोधकर्ता का मानना है। बताइए भगवान शिव का स्वरूप कितना गहरा है। लोग कब से उनको मान रहे हैं, प्राचीन काल। सनातन धर्म का अर्थ क्या है, प्राचीन। आज लोगों जो भी धर्म में बट गए हो लेकिन सनातन धर्म हिंदू धर्म जो है सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना है। 7वीं शताब्दी का सोचो ये मंदिर है। अभी हमारे पृथ्वी पे ऐसे ऐसे मंदिर मौजूद हैं जो पहली सदी दूसरी सदी की मंदिर भी स्थित है दोस्तों। तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही प्राचीन मंदिर में से इसको माना गया है दोस्तों। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे सनातनी वीडियोस आप सबके लिए मौजूद है दोस्तों। और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए आपका और हमारा कर्तव्य बनता है कि सनातन संस्कृतियों को बढ़ाया जाए और हम लोग सब मिल करके ये कार्य सभी एक होके रहे, जात पात की प्रथा को अपने तक ही सीमित रखें, दूसरों पे लागू ना करें और राजनीति से को जितना हो सके पूरे विश्व में प्रचार करें, प्रसार करें। इससे ही हमारा जीवन कल्याण होगा और पूरे सृष्टि को बचाने के लिए सनातन धर्म बहुत आवश्यक है। जैसे आप देख लो कोई भी धर्म बढ़ता है, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, जैसे बढ़ेगा तो औरतों पे अत्याचार बहुत ज़्यादा होता है उसमें, क्रिश्चियनिटी हो, कोई भी धर्म हो, उसमें औरतों पे ज़्यादा अत्याचार हो जाता है। आप देख लो जैसे कि हिंदू धर्म जहाँ पे सनातन धर्म है सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग होता है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे औरतों को आज़ादी दी गई हुई है, औरतें आराम से रहती है, बहुत सारी चीज़ें। बांग्लादेश में आप देख लो, बांग्लादेश में जैसे वहाँ हिंदू को मारा जा रहा, आप देखना वहाँ कितना बर्बादी होने वाली है, क्योंकि सनातन धर्म में शादी विवाह से लेकर पूजा पाठ से लेकर हर चीज़ पृथ्वी के अनुसार, प्रकृति के अनुसार बनाया गया है दोस्तों। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लें।